हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CUET PG 2023 एग्जामिनेशन जो मैथ्स की डेट थी वो 5 जून थी और मॉर्निंग शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पिछले 3 दिन में मैसेज किया है। कुछ स्टूडेंट्स वो थे जिनको एडमिट कार्ड रिसीव हो गया है कि सर 5 को मेरा एग्ज़ाम है और सर ये एडमिट कार्ड मुझे मिल गया है, पर सर दिक्कत ये आ रही कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनको अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। उनके लिए वहाँ पे बच्चों को ये लिखा हुआ रहा है कि ये एक बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाएगा, अभी नहीं है ना, बहुत जल्दी आपको रिलीज कर दिया जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। दिस इज शेख, यूर IIT जेम प्लस स्टूडेंट। माई CUET एग्जाम डेट हैज बीन अनाउंस एट 5th जून बट एडमिट कार्ड हैज नॉट रिलीज येट, प्लीज डू समथिंग सर। एक और मुझे मैसेज मिला यहाँ पे, सर दिस इज माई कन्फर्मेशन पेज, पर अगेन उसको यहाँ पे एडमिट कार्ड नहीं मिला है। बट सुन, यहाँ पे बच्चों ने ईमेल भी किया क्योंकि दो नोटिस NTA ने अपनी वेबसाइट पे दिए थे 3 तारीख को, मतलब 3 जून को NTA की वेबसाइट पे 2 नोटिस आए थे कि भैया अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया तो आप ईमेल पे कर सकते हैं या फिर हमें नंबर पे फोन कर सकते हैं। बच्चों ने ईमेल भी किया कि यार मेरा जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आया, 5 जून को हमारा एग्जाम है, और ये पूरा स्क्रीनशॉट बना के भेजा, कोई रिप्लाई नहीं आया। बात करते हैं आगे। अब हुआ क्या कि कुछ स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड आ गया, जहां पर एक स्टूडेंट ये है जिसका एडमिट कार्ड आ गया जहां पर 5 जून को एग्जाम होने वाला है। इंग्लिश मीडियम है और मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट कोड भी दिख रहा है। 5 को इसका एग्जाम है और एग्जाम जो टाइमिंग है सुबह 7 से रिपोर्टिंग टाइम है, और यहां पे 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में एग्जाम है, और बकायदा सेंटर वेंटर की पूरी इन्फॉर्मेशन यहां पे दे रखी है। प्रॉब्लम का आ रही कि जिस स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आ गया उसको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे एग्जाम देना है कि नहीं देना है, और जिसका नहीं आया उसके साथ ये दिक्कत आ रही कि क्या मुझे देना चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए। अब इनके जो नोटिस है उससे क्या नजर आता है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। इनका 2 नोटिस यहां पे NTA ने अपनी वेबसाइट पे रिलीज किया। क्या बोला 3 जून को, द NTA विल कंडक्टिंग द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CUET बिटवीन 5 जून टू 17 जून, है ना, 5 जून से 17 जून के बीच में एग्जाम कंडक्ट कराएगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा और ये शिफ्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी। द कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द सेट एग्जामिनेशन हुज एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 5th जून 2023 से 8 जून 2023, मतलब 5 जून से लेके 8 जून वाले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भैया मैथ्स वालों का 5 को एग्जाम है, तो यार कुछ का एडमिट कार्ड आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है ना। कुछ को बोला जा रहा है कि भाई आपका जो एडमिट कार्ड है वो बहुत जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा, अभी सेंटर अलॉट नहीं हुआ है, आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है अगर NTA यहाँ पे ये बोलता है कि भाई जिनका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है उनका एग्जाम बाद में कराया जाएगा, पर कंफ्यूजन ये पैदा हो गया कि यार यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो एग्जाम है 5 जून से 8 जून के बीच उनके एडमिट कार्ड यहाँ पे डाल दिए गए, तो यार इससे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि सर फिर तो हमारा एग्जाम 5 को है तो फिर हमें देना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिनका नहीं आया उनको नहीं देना है और जिनका आ गया है उनको देना है। भाई एक ही सब्जेक्ट में एडमिट कार्ड कुछ का आया है कुछ का नहीं है, लगभग मेरे पास 10 से 12 स्टूडेंट जिनका एडमिट कार्ड आ गया उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया, उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि सर हमें क्या करना है बताइए। अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है, NTA एग्जैक्टली ये नहीं बोल रहा है कि भाई हम एग्जाम वापस कराएंगे, अब ये बोला है इन्होंने, ऐसा एक नोटिस इन्होंने दिया है कि जिन्होंने नहीं हुआ उनका एग्जाम हम वापस कराएंगे, बट ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैथ्स का 2 एग्जाम हुआ, क्योंकि नॉर्मली जो होता है पेपर एक ही बार होता है, भाई 2 बार नहीं होता है, क्लियर है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट, एक और यहाँ पे देखिए इनका जो रिलीज है उसमें द NTA विल बी कंडक्टिंग द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि 5 से 17 जून के बीच में पूरी कहानी, सम ऑफ द कैंडिडेट हु मे हैव नॉट रिसीव्ड देयर एडमिट कार्ड फॉर द अबव डेट्स विल गेट देम इन अ सबसिक्वेंट फेजेस, द एग्जामिनेशन ऑफ 60 कोर्सेज विल बी रिशेड्यूल्ड इन द अनदर शिफ्ट डे। अब यहाँ बोला जा रहा है कि भाई आपके रिशेड्यूल कर दिए गए, अब उसमें पूरी लिस्ट भी देगी, उसमें मैथ्स का नाम भी आ रहा है कि मैथ्स का एग्जाम भी रिशेड्यूल कर दिया गया, तो भैया फिर एडमिट कार्ड क्यों दिया बच्चों को आपने 5 तारीख वालों को। भैया अरे 5 तारीख के सभी एग्जाम को आपने रिशेड्यूल कर दिया है, जिसमें आपने एनेक्सर 1 में पूरी लिस्ट दी है, इन इन सब्जेक्ट्स का एग्जाम जो है वो रिशेड्यूल कर दिया गया, तो फिर आधे बच्चों को एडमिट कार्ड देना आधे को एडमिट कार्ड नहीं देना, ये समझ में नहीं आ रहा, या तो सबके वापस करा दो फिर क्यों दे रहे हो। तो ये बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन है जो कि NTA की तरफ से हो रहा है। नहीं अरे भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप इतना पैसा ले रहे हो, आप इंडिया की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी हो यार, बच्चों को आप मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, आप जब भी कोई बच्चा फॉर्म भरता है जब वो पैसा भरता है तब आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आप देते हो ना कि भाई हाँ आपका ये OTP है और ये है और इतना पैसा आपका जमा हो गया और ये हो गया ना, पर जब बच्चों के करियर की बात आती तो वहां पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। अब ये ईमेल कर दो ना यार आप कि भाई ये आपका जो एग्जामिनेशन है उसको रिशेड्यूल कर दिया गया और आपका एग्जाम जो डेट होगा विल अनाउंस वेरी सून, क्या प्रॉब्लम है, पर इनके पास टाइम नहीं है। दिक्कत ये आ रही है कि टेस्टिंग एजेंसी बहुत पैसा कमाती है बच्चों से एग्जामिनेशन फीस के द्वारा,
पर ये बच्चों को एक छोटा सा SMS जो होता है जिसकी रेट अराउंड 20 पैसा होती है ना, 10 से 15 पैसे में बल्क मैसेज मिलता है ना, SMS होता है, और ईमेल में तो मुझे लगता पैसा भी नहीं लगता है। आपके पास मैन पावर नहीं है जहां पर उन स्टूडेंट्स को आप अपडेट कर पाए कि भैया आपका एग्जाम नहीं है, आपका एग्जाम है, क्योंकि बच्चा वैसे भी बहुत स्ट्रेस में होता है क्योंकि उसके यूनिवर्सिटी एग्जाम भी चल रहे हैं, कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल, मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस भी आए कि ये रह गया सर, मेरा CUET PG का एग्जाम 5 जून को है, 5 जून को कॉलेज में मैथ्स का वाइवा रखा है, सर मैं क्या करूं, मेरा प्रिंसिपल नहीं मान रहा है, सर मेरा CUET एग्जाम मैथमेटिक्स का 5 को है, 5 को ही मेरा यूनिवर्सिटी एग्जाम है। अब बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि मेरे को क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपने बाई चांस नेक्स्ट एग्जाम डेट दे दी और हो सकता है कि उस दिन उसका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, तो भाई पहले से इन्फॉर्मेशन दो ना यार, आप क्यों, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा किस बात का मिसमैनेजमेंट है। आप इंडिया की टॉप टेस्टिंग एजेंसी हो, आप बच्चों से इतना फीस ले रहे हो, आप एक इन्फॉर्मेशन ही दे सकते हो स्टूडेंट्स को कि भाई यार इस डेट को ये एग्जाम होगा और इस डेट को ये एग्जाम होगा। और मैं निवेदन करता हूं, और मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, मैं निवेदन करता हूं यहां से कि जिन जिन का एडमिट कार्ड नहीं आया, आपको एक तो ईमेल करना है, इस नोटिस के अंदर पूरी ईमेल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप प्लीज सभी ईमेल कर दीजिए। एक काम और आपको करना है, देखो ये बड़ा जरूरी है, और अगर आप ये काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसके पॉजिटिव रिजल्ट नजर आएंगे, नहीं तो ये NTA करता रहेगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्विटर अकाउंट बता रहा हूँ, एक तो NTA का ट्विटर अकाउंट है, इस पे जाके आपको ट्वीट करना है कि प्लीज़ गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर एग्ज़ाम, कि हमारा एग्ज़ाम कब है, और अपना जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर करिए, है ना, और डेट शेयर करिए। यही जो ट्वीट है वो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको आप करिए, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लस जो PM ऑफिस है उसको भी आप ट्वीट करके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे CUET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज एक छोटा सा काम और कर दीजिए, ट्वीट करने में अपना कुछ नहीं बिगड़ रहा, ना पैसा लगता है। और ट्वीट करने के साथ साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी है वहां पे कि प्लीज सेंड द ईमेल और मैसेज ऑफ द अपडेटेड शेड्यूल। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी यूनिवर्सिटी है इस इंडिया की और कॉलेजेस की, उन सभी को एक जो इन्फॉर्मेशन टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से जाना चाहिए कि भाई इन इन डेट्स पे एग्जाम्स हैं, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, राइट, चाहे हम नेट की बात करें, चाहे हम गेट की बात करें, चाहे हम IITJM की बात करें, चाहे हम CET एग्जाम की बात करें, चाहे हम जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जहां पर बल्क में बच्चा एग्जाम देता है, उन पर्टिकुलर डेट्स पे यूनिवर्सिटी के एग्जाम और वाइवा नहीं होने चाहिए। बट ये कहने कहीं बहुत शर्मनाक है, क्योंकि प्रोफेसर जो होते हैं वो थोड़ा सा मैनेज नहीं कर सकते। एक मुझे मतलब मैसेज मिला यहाँ पे, बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा कि सर मेरे कॉलेज में वाइवा रखा है मैथ्स का, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा CUET का एग्जाम है, मेरा वाइवा को पोस्टपोन किया जाए, तो मेरा बोल रहा है टीचर कि भैया या तो CUET दे लो या फिर वाइवा दे लो, राइट। कितना मतलब दुखदायी है बच्चों के लिए कि स्टूडेंट की सोचने के लिए कोई नहीं है। एक बच्चा लगभग 4 से 5 महीने से किसी एग्जाम की मेहनत कर रहा है और वो चाहता है कि अच्छी जगह से अपना मास्टर्स करे, पर एक वाइवा के लिए उस स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा, मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा, ये बहुत बड़ा दुखद है। और मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं यार, थोड़ा सा आप समझदार हो जाओ यार, कुछ नहीं करना है आपको, साला जो भी बोल रहा है ना उसको ट्विटर पे जाके इन्फॉर्मेशन PMO को दो, हायर एजुकेशन को दो, जितने भी NTA एजेंसी, सब जितने भी मिनिस्टर्स है ना, सबको ट्वीट करके दो, आपकी बातों को यूं सुना जाएगा। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं यार, थोड़ा सा टेक्निकल बन जाओ, है ना, आपकी बात सुनी जाएगी, क्लियर है। मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये आगे इंपैक्ट क्रिएट करती है। इससे पहले मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया कि CSIR नेट वालों का एग्जाम होने वाला है, मैंने NTA से रिक्वेस्ट करी एग्जाम सही से करा देना यार, क्लियर है, क्योंकि पहले से रिक्वेस्ट का मतलब है कि बाद में दिक्कत ना आए स्टूडेंट्स को। और अभी आप CUET PG की तैयारी कर रहे हो, आने वाले भविष्य में आपको गेट CSIR नेट ये सब एग्जाम देने, है ना, अगर ये दिक्कतें आती रही तो फिर बच्चों को बहुत दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि भैया स्टूडेंट्स होता है वो वोट बैंक नहीं होता है, तुम लोग वोट नहीं देते हो इसलिए तुम्हारी बात नहीं सुनी जाती रे, समझो, या तो वोट दो या ट्विटर पर जाके बोलो वहां पे कि भैया हमारे जो कैरियर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। और एक और निवेदन करता हूं कि जो भी यूनिवर्सिटी में आपके साथ ये बर्ताव किया जा रहा है, इसकी बकायदा स्क्रीनशॉट रखो, और रिकॉर्डिंग भी हो सके तो पॉसिबल रखो, डालो उसको वहां पे, डरो नहीं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तुम्हारे करियर के साथ कोई नहीं खेल सकता है, अगर तुम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर अपना करियर बनाना चाहते हो, यार तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा जागरूक बन जाइए, और ये जो चीजें हैं इनका सदुपयोग करना शुरू करिए, आपकी बात सुनी जाएगी। तो लास्ट में मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि जिन स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड मिल गया है, भैया तुम अपने सेंटर पे जाओ और एग्जाम देने जाओ, और जिनका एडमिट कार्ड नहीं मिला है वो मत जाओ। अब मैं एक और निवेदन करता हूं कि जिन जिन स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड मिल गया है और तुम सेंटर पे जा रहे हो और अगर एग्जाम नहीं हो रहा है,
प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग मुझे जरूर भेजिएगा। आपका नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा आपके सपोर्ट में। इनको एडमिट कार्ड इश्यू कर दिया गया था पर इनका एग्जाम नहीं हुआ। प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इतना सा काम जरूर करिएगा और हो सके तो आप इसकी इंफॉर्मेशन ट्विटर पर जरूर डालिए। पीएमओ, एनटीए और हायर एजुकेशन, मैं यहां पे दिखा रहा हूं तीनों के तीनों, इन सभी पे जाके ट्वीट जरूर करिए। आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बड़ा दुख होता है जब स्टूडेंट्स की इस टाइप की प्रॉब्लम मैं सुनता हूं कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर स्ट्रगल कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, पर उसको अब ये टेंशन भी हो रही कि मेरा एग्जाम होगा कि नहीं होगा और कब होगा, और कहीं ना कहीं प्रेशर होता है। देखो, जो स्टूडेंट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए करियर का प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं वो चाहता है कि वो लाइफ में कुछ करे, पर ये जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान करती है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि ये सब चीजें बिल्कुल स्मूथली करी जाए सो देट कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। और यार, आप पैसे ले रहे हो बच्चों से फोकट में, तो एग्जाम नहीं करवा रहे हो ना भैया, एग्जामिनेशन फीस लिया ना आपने, यार ईमेल नहीं कर सकते यार आप लोग बच्चों को, है ना, पर्टिकुलर ईमेल भेज दिया जाए, तुम्हारा एग्जाम जो है उसको रिश्यूल कर दिया गया, ये डेट पे एग्जाम हो रहा है, मैसेज कर दो यार, है? पैसे लेते तब तो समझ में नहीं आता, जब आपको ईमेल करना हो तो तकलीफ होती है, नंबर दे दिया जाता है, अभी इस नंबर पे बात करो, इस पे ईमेल करो, तुम क्या कर रहे हो यार। एक मतलब ईमेल भेजने में कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं होता, डेटा है आपके पास, है ना, आप थर्ड पार्टी हो, आपका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप बच्चों को तरीके से सर्विस दो। एक स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस नहीं होनी चाहिए, पता पड़ा आपने 300 किलोमीटर दूर एक सेंटर दे दिया, बच्चा एग्जाम देने गया, नहीं हुआ तो क्या, अगर उसका पैसा वेस्ट हो गया, दिन भी खराब हो गया। और भैया, अगर बाई चांस आपने रिशेड्यूल किया है और हो सकता है उस टाइम पे उसका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो रहा हो या कुछ और एग्जाम हो रहा हो, तो भैया बात करें यूनिवर्सिटी में जाके कि भैया इस डेट को मेरा एग्जाम हो रहा है, प्लीज इसको रिशेड्यूल करो, तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि आपको बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाने, पर जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लेके आनी पड़ेगी ताकि स्टूडेंट्स का करियर खराब ना हो। यार, ये सब बातें मुझे आप सभी से बोलनी थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।